हेलो व्यूवर्स, आज हम डिक्लोफेनेक गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट का रिव्यू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम पैकिंग डिटेल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका प्रयोग किस किस बीमारी में किया जाता है और साथ में बताएंगे कि इसके क्या क्या शरीर पर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपको इस तरीके की पैकिंग मार्केट में मिलेगी, ये आप देख सकते हैं। ये 15 टैबलेट्स, 15 टैबलेट्स आपको ये मिल जाएंगी। इसका मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पे 28.7 रुपीज़ फॉर 15 टैबलेट्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब 28 रुपये में 15 टैबलेट आपको ये मिल जाएंगे। तो चलिए पैकिंग डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे डिक्लोफेनेक गैस्ट्रो रेजिस्टेंट टैबलेट्स IP ये लिखा हुआ है इधर, और यहाँ पर अगर देखें तो डिक्लोफेन ये लिखा हुआ है, और इंग्रेडिएंट्स के बारे में इन्होंने बता रखा है, ईच कोटेड टैबलेट कंटेन्स डिक्लोफेनेक सोडियम IP 50 mg, 50 mg में है। कलर सनसेट येलो, और डोज के बारे में बता रखा है जैसा डॉक्टर ने बोला है, एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, जैसा डॉक्टर ने बताया है उसी के हिसाब से आपका आप इसको सेवन करिए। स्टोरेज, स्टोर इन कूल ड्राई एंड डार्क प्लेस, कीप मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुँच से इसे दूर रखिए। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है टैबलेट शुड बी स्वालोड होल एंड नॉट चैव्ड और क्रश्ड, ये टैबलेट आपको साबुत लेनी है और इसको चबाना या तोड़ना नहीं है। इसके नीचे यहाँ पे कुछ कंपनी की डिटेल्स के बारे में दे रखा है, कंपनी का एड्रेस वगैरह, और सबसे नीचे यहाँ पे एक वार्निंग दे रखी है, इसमें लिखा है टू बी सोल्ड बाई रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ओनली, मतलब ये दवा आपको प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेगी, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर। तो ये देख लीजिए, ये इस तरीके की टैबलेट है। चलिए अभी जानते हैं कि इसका इस्तेमाल किस किस बीमारी में किया जाता है। इसका इस्तेमाल सूजन में, सिर दर्द होने पर, बुखार, जोड़ों का दर्द, दर्दनाक मासिक धर्म, ऐंठन, माइग्रेन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सर्जरी के बाद होने वाले दर्द में और दांत दर्द में भी इसका प्रयोग लाभकारी है। स्पॉन्डिलाइटिस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा टांगों में दर्द, बदन दर्द, कंधे का दर्द, मोच, AD या कलाई में दर्द, जोड़ों में अकड़न, पैरों में फ्रैक्चर, मधुमक्खी के काटने पर, मांसपेशियों में खिंचाव, जबड़े में दर्द, जांघ में दर्द आदि, इन सब रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं शरीर पर, इसके सेवन से दस्त लग सकते हैं, उल्टी होना, खाल पर लाल दाने होना, खुजली होना, चक्कर आना, वजन घटना, थकान होना, सांस लेने में कठिनाई होना, ये सब दुष्प्रभाव आपको हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपको नज़र आए तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो चलिए अभी कुछ सावधानियों के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको पेट में इन्फेक्शन है, गुर्दे की बीमारी है, दिल का दौरा पड़ता है, दमा, स्ट्रोक, एनीमिया, लीवर रोग, पेट में अल्सर जैसे रोग हैं, तो इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें। गर्भवती महिलाओं के लिए इसका सेवन हानिकारक हो सकता है। इसके सेवन के दौरान धूम्रपान व शराब ना पिएं, ऐसा करना हानिकारक साबित हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।